हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तानिया, सो वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टाइटल है 2022 एन इवेंटफुल ईयर फॉर इंडियाज फर्स्ट आरआरटीएस एनसीआरटीसी की वीडियो है। वीडियो को जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को भी देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद बात करेंगे। सो इट्स अबाउट आवर रीजनल ट्रेन, तो चलिए देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड की प्रोग्रेस की प्रोजेक्ट का क्या प्रोग्रेस है, कैसा बन रहा है। सो लेट्स वॉच द वीडियो, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। देश की प्रथम रीजनल रेल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। वर्ष 2022 में 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को पटरी पर उतारने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य किया गया। दिन रात हो रहे कार्य की रफ्तार ने एनसीआरटीसी को उस पल के समीप ला दिया है जहां से मार्च 2023 में साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक के 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन को आम लोगों के लिए शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्यों की इस श्रृंखला में एनसीआरटीसी को सभी स्टेक होल्डर्स का पूरा सहयोग मिला और इसी का परिणाम है कि वर्ष 2022 में बहुत सी ऐसी गतिविधियां हुई जिनकी बदौलत दिल्ली से लेकर मेरठ तक आरआरटीएस के पिलर्स और वायडक्ट की रेखा स्पष्ट नजर आने लगी है। निर्मित किए जा रहे अधिकतर स्टेशन आकार ले चुके हैं। जनसाधारण को एक परिवर्तनशील परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए एनसीआरटीसी ने अपने प्रयासों से वर्ष 2022 में कई उपलब्धियां हासिल की। इस वर्ष की शुरुआत से ही सिविल निर्माण ने गति पकड़ी और दिल्ली में आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन के भूमिगत हिस्से के कार्य की शुरुआत हुई। वर्तमान में स्टेशन के बेस और कॉन्कोर्स लेवल का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2022 में ही आनंद विहार स्टेशन से न्यू अशोक नगर की ओर सुदर्शन ने 3 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण आरंभ किया। वर्तमान में आनंद विहार से दिल्ली और गाजियाबाद दोनों दिशाओं में कुल 4 सुदर्शन टनल निर्माण कर रही हैं। ये चारों 10 किलोमीटर में से लगभग 5 किलोमीटर की टनल का निर्माण पूर्ण कर चुकी हैं। इसी तरह मेरठ के भी भूमिगत निर्माण ने इस वर्ष कई उपलब्धियां हासिल की। मेरठ के 3 भूमिगत स्टेशनों मेरठ सेंट्रल, भैसाली और बेगमपुल के बीच टनल निर्माण का कार्य अप्रैल 2022 में आरंभ हुआ। सुदर्शन 8.3 ने लगभग 4 महीने के वक्त में गांधीबाग से बेगमपुल के बीच 750 मीटर लंबी सुरंग का सफलतापूर्वक निर्माण कर आरआरटीएस कॉरिडोर का पहला टनल ब्रेक थ्रू किया। उसके बाद सुदर्शन 8.1 ने भैसाली से मेरठ सेंट्रल स्टेशन के बीच 2 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण कर 15 दिसंबर को ब्रेक थ्रू किया। यह मेरठ की सबसे लंबी टनल है। साथ ही मेरठ के तीनों भूमिगत स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स लेवल आदि के सभी स्लैब का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। भूमिगत निर्माण के साथ एनसीआरटीसी ने एलिवेटेड सेक्शन की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया। आरआरटीएस कॉरिडोर पर 7 स्पेशल स्टील स्पैन स्थापित किए गए जिनकी वायडक्ट निर्माण में बेहद अहम भूमिका है। सबसे बड़ा 150 मीटर लंबा स्पेशल स्पैन गाजियाबाद स्टेशन पर स्थापित किया गया। स्पैन स्थापना के साथ वायडक्ट निर्माण भी तेजी से प्रगति करता रहा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुल 70 किलोमीटर के एलिवेटेड सेक्शन में से आधे से ज्यादा वायडक्ट का निर्माण वर्ष 2022 में पूरा कर लिया गया। साथ ही पूरे सेक्शन में 75% से ज्यादा पिलर निर्माण भी पूरा किया गया। एनसीआरटीसी सड़क पर यात्रियों की कम से कम असुविधा सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्यों के पूरा होने के साथ ही पूरी तत्परता से सड़क पर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड को हटाता जा रहा है। साथ ही पर्यावरण संरक्षा के लिए सड़कों के बीच डिवाइडर पर तेजी से पौधारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। सिविल निर्माण की रफ्तार के बीच 7 मई 2022 का दिन एनसीआरटीसी के लिए बेहद खास रहा। इस दिन गुजरात के सावली में स्थित आरआरटीएस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहले ट्रेन सेट की चाबियां एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार सिंह को सौंपी गई। इसके बाद से अब तक
चार ट्रेन सेट दुहाई डिपो पहुंच चुके हैं। इन मेड इन इंडिया ट्रेनों के आने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वर्तमान में दुहाई डिपो में इन ट्रेनों की विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग की जा रही है। ट्रेन सेट का सफलतापूर्वक टेस्ट रन भी किया जा चुका है। साथ ही LTE कम्युनिकेशन नेटवर्क पर यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम प्रणाली के साथ ट्रेन सेट की डायनेमिक टेस्टिंग भी सफल रही है। RRTS नेटवर्क में लगाया जाने वाला यह विश्व का अपनी तरह का पहला सिग्नलिंग सिस्टम होगा। ट्रेन सेट हासिल करने के साथ वर्ष 2022 में NCRTC की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता खंड में निर्माण कार्यों को लगभग पूर्ण कर लिया गया। मार्च 2023 तक इस खंड को आम जनता के लिए परिचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल रन शुरू करने के लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। वायडक्ट निर्माण होने के बाद ट्रैक बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही OHE के इंस्टॉलेशन का कार्य भी अंतिम चरण में है। सिग्नलिंग और यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स के इंस्टॉलेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। प्रायोरिटी सेक्शन में 5 स्टेशन हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। इन 5 स्टेशनों के प्रवेश निकास द्वार आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही स्टेशन बिल्डिंग की फिनिशिंग की जा रही है। RRTS कॉरिडोर पर परिचालन और जरूरी रखरखाव के कार्यों हेतु जुलाई 2022 में NCRTC ने जर्मन कंपनी डॉयचे बान के साथ अनुबंध किया। इसके अंतर्गत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के परिचालन और रखरखाव के कार्य DB इंडिया करेगी। ऑपरेशंस के इतने समीप पहुंचने के साथ NCRTC ने वर्ष 2022 में देश की कई प्रमुख प्रदर्शनियों में शामिल होकर लोगों को RRTS की विशेषताओं से अवगत कराया। नवंबर 2022 में प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार लगाए गए RRTS के एग्जीबिशन पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। वर्ष 2022 में कई उच्च पदाधिकारियों ने RRTS प्रोजेक्ट के निर्माण की रफ्तार का जायजा लिया। मई 2022 में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के भैसाली में निर्माण गतिविधियों का निरीक्षण किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक के कई पदाधिकारियों ने कॉरिडोर के प्रमुख स्थलों का दौरा किया। इस प्रोजेक्ट में कई ऐसी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिससे न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व की निगाहें हम पर टिकी हुई हैं। इसीलिए इससे संबंधित खबरों को देश और विदेश की मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी खासी चर्चा हो रही है। युद्ध स्तर पर किए जा रहे निर्माण कार्यों के बीच NCRTC ने सामुदायिक जागरूकता, परिवहन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, वर्कर्स की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षा के लिए कई अभियान चलाए। मार्च 2022 में RRTS प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वच्छ और हरित पर्यावरण की दिशा में योगदान देते हुए NCRTC ने न्यूनतम प्रदूषण तकनीकों का प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हुए निर्माण कार्य सुनिश्चित किया है। देश की विकास यात्रा में एक नई कहानी लिख रही NCRTC की टीम ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई आयोजनों में लिया। कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हॉबी क्लब की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सितंबर महीने में साइक्लोथॉन का भी आयोजन हुआ। NCRTC NCR के यात्रियों को तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, सुखद एवं सतत गतिशीलता समाधान प्रदान कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु दृढ़ संकल्प है। शीघ्र ही RRTS क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनके जीवन में सुखद परिवर्तन लेकर आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई खत्म। और इस वीडियो को देख के
तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म और मैं कह रही हूँ RRTS टाइप का जो सिस्टम है, जो एक रीजनल ट्रेन नेटवर्क जो सिस्टम है, जो तो ये हर जगह बनना चाहिए। पर कोई भी चीज़ होती तो ऑब्वियसली दिल्ली NCR से टेस्ट होता है, पहले टेस्ट ट्रायल चलता है कि हाउ इट इज़। मेट्रो भी जैसे ही पहले यहीं चली थी, मेट्रो तो पहले कोलकाता में बनी थी, मतलब कोलकाता में थी फिर उसके बाद दिल्ली में बनी। पहले दिल्ली में बोलना तो इज़ नॉट द राइट थिंग, पहली मेट्रो तो कोलकाता में बनी थी। पर फिर भी एक होता है ना कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स पहले दिल्ली में होके या कुछ पॉपुलर सिटीज़ में होके टेस्ट, उसका एक टेस्ट ड्राइव हो जाता है, उसके बाद अगर वहाँ सक्सेसफुल रही, कामयाब रही, तो फिर वो और जगह। मैं तो चाह रही हूँ कि इस तरह की ट्रेन जो मेट्रो नहीं, जो एक लोकल ट्रेन होती है ना, उसको रिप्लेस कर, क्योंकि लोकल ट्रेन में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत रश होता है और बहुत तरह का मिसमैनेजमेंट होता है। पर ये है कि अब लोग आर्ग्यू ये भी कर सकते हैं कि लोकल ट्रेन का किराया बहुत सस्ता होता है, कुछ लोग बिना किराए के भी चढ़ जाते, गरीब लोग, मछुआरे लोग। इवन वेस्ट बंगाल में जाओ, इधर मुंबई साइड जाओ, तो लोकल ट्रेन लोगों की लाइफ है, जो 2-2 रुपये, 5-5 रुपये के, 10-10 रुपये किराए में भी ट्रैवल करते। पर इस तरह की जो ट्रेन बनेगी उसमें तो ये चीज़ नहीं होगी, उसमें टिकट महंगा होगा और सब, अगर इसको रोज़ जाना है किसी गरीब को तो नहीं अफोर्ड कर पाता है। दिस इज़ द राइट थिंग। पर क्या होगा कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ऐसे भी कर सकती है कि एक एक जैसे एक ऐसा वे लाएगा जब रूरल एरियाज़ में, मतलब इस चीज़ को, कि अगर आपको इसको रूरल एरियाज तक पहुँचाना, बिकॉज लाइफ, अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा तो फेयर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट चाहे तो सब्सिडीज़ दे सकती है, या तो चीज़ों का मैनेजमेंट इस वे में कर सकती है कि लोग पे कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े, बिकॉज रूरल एरियाज़ में चीज़ों का कॉस्ट भी कम होता है, ज़मीनें भी आपको सस्ती मिल जाती हैं इन कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज़। और भी चीज़ें हैं, दे आर द फिक्स्ड कॉस्ट जो हमेशा सेम रहती है, सैलरीज तो सेम ही रहेगी ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहती है वर्कर्स की, चाहे वो कुछ भी रहे। तो ये सब चीज़ें भी हैं, बहुत तरह के आर्ग्यू है कि भाई रिप्लेस नहीं कर सकती, मुझे खुद को पता है, क्योंकि बिकॉज कॉस्ट फैक्टर है। मेट्रो का कॉस्ट मच ज़्यादा है उससे, क्योंकि आपको बस से और लोकल ट्रेन से। तो RRTS भी नया बनेगा, न्यूली इक्विप्ड होगा, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, वो वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो कभी कभी जा रहे हैं। मतलब एकदम मैं लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कर रही हूँ, जो लोअर, जो 10-15 रुपये खर्च करके जाने आने में भी बहुत मुश्किल समझते हैं, उस तरह के लोगों को भी मतलब एक टारगेट किया जाए। बट इट्स गुड कि कभी तो स्टार्ट करें, हमारे देश में एक ऑप्शन तो अवेलेबल होना चाहिए ना, जैसे दिल्ली में ऑप्शन अवेलेबल है। दिल्ली में यू हैव मेट्रो, यू हैव बस, एवरीथिंग। और कोलकाता में सबसे सही, आपके पास बस भी है, आपके पास मेट्रो भी है, ट्राम भी, और ट्राम, बट ट्राम अपडेटेड नहीं है, उसको भी अपडेट कर देना चाहिए, उसको थोड़ा सा उसको ठीक ठाक कर देना चाहिए, क्योंकि आप व्हेन यू सी इन द यूरोपियन सिटीज़, वहाँ अभी भी ट्राम, बट हाउ मॉडर्नाइज दे आर, तो उस समय तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी पड़ी है वैसी ही है। पर उसको चीज़ों को, आपको पता है, अपने कुछ कुछ हेरिटेज को बचा के रखना चाहिए, उसको थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, बिकॉज व्हेन देयर इज अ सिटी, कोलकाता एक सिटी ऐसी है ना जिसमें थोड़ा पुराना टच भी है, साथ में आप जब उसको मॉडर्न चीज़ों का तड़का लगाते हो ना, तो वो जो चीज़ निकल के आती है दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, फिर उसको कोई वर्ड एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ें हैं, लेट्स सी कि ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा होता है। और ये लोग कह रहे हैं एक्सपेक्टेड मार्च में खुल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, और गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट भी किया। और ये जो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, गवर्नमेंट इसको हैविली टैगलाइन को प्रमोट किया, अमृत महोत्सव। इट्स गुड क्योंकि इस तरह की चीज़ें यूनिटी प्रमोट करती है, लगता है कि हाँ 75 साल हो गया पर हम ये कर रहे हैं। ये सवाल होता है कि 75 साल में हमने क्या किया, तो हर प्रोजेक्ट पे लगाना, ओके दिस वी आर डूइंग ऑन द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस वी आर डूइंग ऑन 75। तो ये सब चीज़ सुन के भी एक जो सिटीजन है उसके माइंड में एक आपको लगता होगा, पढ़ के कुछ नहीं होता, पर बार बार आप वो चीज़ें पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। सो बस मैंने बहुत बकवास कर ली, बस इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं आपको ये रिक्वेस्टेड वीडियो पर रिएक्ट करूँ, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो। फिर इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।